एक बार एक बहुत धनी और जिज्ञासु राजा था। एक दिन राजा ने अपने लोगों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने आदमियों से सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर लगाने को कहा। राजा ने अपने आदमियों को छिपने और देखने के लिए कहा कि क्या कोई सड़क से विशाल पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और बस साइड से चले गए। कई लोगों ने राजा पर सड़कें साफ न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। कुछ घंटों के बाद एक किसान वहां से गुजरता है। उसके हाथ सब्जियों से भरे हुए थे। जब वह विशाल पत्थर के पास पहुंचा, तो अनदेखा या आरोप लगाने के बजाय जैसा दूसरे कई लोग कर रहे थे, किसान ने अपनी सब्जियां नीचे रखी और पत्थर को सड़क के किनारे ले जाने की कोशिश की। यह उसके लिए कठिन था, लेकिन कुछ समय बाद अपने सभी प्रयासों से वह पत्थर को किनारे ले जाने में कामयाब रहा। फिर किसान अपनी सब्जियां लेने वापस पीछे गया और अपने रास्ते जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक उसने देखा कि सड़क पर एक थैला पड़ा हुआ है, जहां बड़ा पत्थर पड़ा था। किसान ने थैला खोला। थैले में कई सोने के सिक्के थे और राजा का एक पत्र भी था। राजा के पत्र में लिखा था कि बड़े पत्थर को सड़क से हटाने का इनाम एक सोने से भरा थैला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में हर बाधा हमारी स्थिति को सुधारने का अवसर लेकर आती है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, जो इस समस्या को देखते हैं और शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। दूसरे जो समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं और उस पर काम करना चालू कर देते हैं। आप इन दोनों में से किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आप इन दोनों में से कौन सा बनना चाहते हैं? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और प्रेरक और रोचक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।